TV9 के 5 संपादकों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी के सवाल पर अपनी राय को रखा। उन्होंने कहा कि मेरा जीवन, मेरी गारंटी सब एक सूत्र में है। गारंटी वो ऐसे ही नहीं निकलती है जी। एक लंबी तपस्या के बाद आपके शब्द गारंटी बन जाते हैं, आपके शब्द की कीमत बढ़ जाती है। इसका मतलब अब मुझे इस पर बहुत जिम्मेवारी से जीना पड़ेगा और मैं तब से लेकर के बहुत जिम्मेवार हो गया हूँ कि मेरा हर शब्द एक जिम्मेवारी है, मेरा हर शब्द मेरी एक गारंटी है, उस रूप में मैं करता हूँ। ये मोदी ने खुद को गाली देने वाले विपक्षी नेताओं को भी करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने विष पीना सिखाया है, अमृत की हिफाजत करना है तो विष पीना ही होगा। सारी डिक्शनरी उन्होंने एक प्रकार से मुझे गालियां देने के लिए इस्तेमाल कर ली है और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में इतनी भद्दी, इतनी ज्यादा, इतनी बार गालियां खानी पड़ रही है। देखिए, मैं तो परमात्मा में श्रद्धा रखने वाला भी व्यक्ति हूँ। मैं शिव का भी उपासक हूँ, शक्ति का भी उपासक हूँ और शिव ने तो विष पीना सिखाया है। संदेश खाली के मुद्दे पर TV9 के सवाल पर पीएम मोदी ने काफी वो भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर क्या कहा, यह आप देखिए। जिस प्रकार से संदेश खाली की घटनाएं घटी और जो दबी हुई कोई माता बहन अपने व्यक्तिगत जीवन में बाहर खुलकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती, संदेश खाली में जिस प्रकार से मैं उन माताओं को मिलाता था, आंख में से आंसू निकल आते थे, सुनता था तो दर्द होता था। और पॉलिटिकली शेल्टर मिले और उस प्रकार से व्यवस्था हो कि बंगाल में नारी शक्ति, ये नारी के द्वारा उत्पीड़न जो चल रहा है उसका जवाब भी नारी शक्ति देगी। और देखिए, अमेठी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, राहुल राय बरेली से लड़ सकते हैं चुनाव। 10:20 पर अमेठी पहुंचेंगे राहुल और प्रियंका। आज दोनों सीटों पर नामांकन का आखिरी दिन है और ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि लगभग अब तस्वीर ऐसा लगता है कि साफ होती नजर आ रही है। खबर ये सामने आ रही है कि अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, राहुल राय बरेली से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अमेठी नहीं बल्कि इस बार राहुल गांधी राय बरेली से उतर सकते हैं, ये खबर सामने आ रही है। 10:20 पर अमेठी पहुंचेंगे राहुल और प्रियंका गांधी नामांकन को लेकर, क्योंकि आज नॉमिनेशन का, नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से दोनों ही सीटों पर नामांकन को लेकर जोरों पर तैयारियां की गई है। लगातार ये एक पशुपेश की स्थिति बनी हुई थी कि आखिर इन दोनों सीटों पर क्या फैसला होता है। तो राहुल गांधी अपनी मां की सीट से यानी कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका अमेठी से चुनाव लड़ सकती है। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर जुड़े हुए पूरी जानकारी के साथ। पंकज जी, क्या जानकारी आ रही है? देखिए, ये प्रोटोकॉल से जो जानकारी आई है, क्योंकि दोनों जेड प्लस सिक्योरिटी के राहुल गांधी हैं, उनकी जो सूचना आई है सिक्योरिटी के पास में, उसमें जो रात में रिवाइज हुआ प्रोग्राम आया है उसमें ये है कि राहुल गांधी जो है वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर प्रियंका के साथ आएंगे वो, और उसके बाद वो नामांकन कर सकते हैं आज दोपहर में रायबरेली से, जहां से सोनिया गांधी पहले सांसद हुआ करती थी। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि जिस वक्त वो थी वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रही और इसीलिए अब राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी जो आ रही हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ सकती हैं। उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि गांधी नेहरू परिवार का जब लॉन्चिंग होता है चुनावी राजनीति में तो शुरुआत से अमेठी से रहा है। संजय गांधी देखिए सबसे पहले वहीं से चुनाव लड़े, फिर राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी शुरुआत में अमेठी से चुनाव लड़ी। जब राहुल आ गए तो वो रायबरेली शिफ्ट कर गई और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने लगे। तो इस आधार पर ये कहा जा रहा है कि प्रियंका अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से नामांकन कर सकते हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका पंकज जी, इस पूरी जानकारी के लिए। राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकती है और आज 10:20 पर दोनों पहुंच जाएंगे अमेठी।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार और जंगपुरा से आम आदमी पार्टी विधायक प्रवीण कुमार ने कैंपेन की शुरुआत की। कैंपेन में लोगों ने संदेश लिखकर अपनी भावनाएं जाहिर की। इस दौरान कुलदीप कुमार ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। आज लोग देख रहे हैं कि कैसे उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को एक झूठा फर्जी षड्यंत्र बनाकर जेल में डालने का काम किया, केवल लोकसभा चुनाव के कैंपेन से रोकने के लिए षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचने का काम किया। ये डर दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का कि वो केजरीवाल जी कितना डरते हैं।